Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. आइए बैठिए, चाय पियेंगे आप? दूध पीते हैं पर अभी नहीं। लोग अपनी आन बान शान के लिए मूंछों पर कोई आंच नहीं आने देते, लेकिन शशि कपूर की वजह से एक बहुत बड़े एक्टर को अपनी मूंछें हटानी पड़ी थी। बात दरअसल उस वक्त की है जब मशहूर व मारूफ राइटर अबरार अलवी फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे साहिब बीवी और गुलाम। उस फिल्म के लिए शशि कपूर को चुना गया, पर शशि कपूर फिल्म की रीडिंग के लिए यानी कि स्क्रिप्ट की रीडिंग के लिए देर से पहुंचे। अबरार अलवी इस बात से खफा हुए और शशि कपूर को ताना भी मार दिया कि मियाँ, जब तुम रीडिंग के लिए इतनी देर से आ रहे हो तो फिल्म की शूटिंग पर टाइम पे कैसे पहुंचोगे? शशि कपूर साहब भी शर्मिंदा हुए। यह ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का दौर था, शशि साहब का करियर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो इस फिल्म से बाहर हुए और अबरार अलवी ने गुरुदत्त से कहा कि गुरु साहब, आप ये किरदार निभा सकते हैं साहेब बीवी और गुलाम में गुलाम का, बस शर्त यह है कि आपको अपनी मूंछें हटानी होंगी, क्योंकि गुलाम जो है नहायत ही मुछ मुंडा है। और ठीक वैसे ही हुआ। ओ जनाने दफ्तर मां, हम का करबे जीजा जी, हम जितना जी चाहे खाए सके था। जितना जी चाहे, छोटे बाबू के सामने जो जी चाहे करो, लेकिन मेरे सामने नहीं पी सकोगी। इधर ला बोतल। गुरुदत्त ने अपनी मूंछें मुंडवा दी, शशि कपूर इस रोल से बाहर हो गए और फिल्म साहेब बीवी और गुलाम के तमाम अमर किरदारों में गुरुदत्त साहब का नाम शामिल हो गया। ऐसी और भी बड़ी जबरदस्त दास्तानें सिर्फ और सिर्फ पेज 3 रिपोर्टर पर। सब्सक्राइब करें पेज 3 रिपोर्टर।